की हाल चाल मैं के जी सत श्री अकाल। मैं आपका फ्रेंड विकी, आपके अपने चैनल विकी की मैं आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज सुबह उठा हूं तो मैंने सोचा कि कहीं घूमने जाऊं। अब घूमने जाना है तो प्लान कर रहा हूं कहां जाया जाए। तो चलो एक काम करते हैं, गिलगिट बल्तिस्तान क्यों ना घूमा जाए। हाँ सुना है कि वहाँ की ब्यूटी बहुत ही फेमस है और बहुत ही अच्छी है। चलो देखते हैं कि कितनी अच्छी है। अभी मैंने देखी नहीं उसकी वीडियो, तो अभी आपके साथ रिएक्ट करूँगा और देखूँगा। अगर मुझे अच्छी लगी तो ऑफकोर्स मैं तो सच बोलता हूँ, झूठ तो मैं बोलता ही नहीं, आप सबको पता ही है। अच्छी होगी क्या लगता है आपको? होनी चाहिए है ना। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, देखेंगे फिर पता लगेगा कि अच्छी है कि नहीं अच्छी। और हसीन वादियाँ, हसीन पहाड़ और वो ऊंची ऊंची जो पर्वत शिखर हैं, वहाँ पे जाएंगे और घूमेंगे और देखेंगे कि कैसा है वहाँ का नेचर और वहाँ का इन्वायरमेंट, और घर बैठे घूम लेंगे हर जगह और मेरे साथ आप भी घूमोगे। ठीक है, कोई नहीं जाएगा छोड़ के, आधी वीडियो और सारे के सारे देखेंगे और हर नेचर का लुफ्त उठाएंगे। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वही बकवास कर देता हूँ कि जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको तोड़ो मड़ोड़ो या तोड़ के फेंक दो, मुझे उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है आप लोग कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी कर दो प्रेस, और लाइक तो आप कर ही दोगे दोस्तों। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या नाम था? बल्तिस्तान, यस गिलगित बल्तिस्तान, जेवल ऑफ पाकिस्तान। चलो टाइम वेस्ट करते स्टार्ट करते हैं वीडियो। 1 2 3 स्टार्ट। हाँ ये देसी सी म्यूजिक लग रही है, इंडिया में ऐसी होती है म्यूजिक। फ्लैग है ना पाकिस्तान का ही है। यार बर्फ का पहाड़ थी, पूरा पूरा पहाड़ी बर्फ का है ना। यार मैं पंजाब रहता हूँ, बर्फ बर्फ कहाँ से मिलेगी देखने को नहीं मिलती। अच्छा ठीक है समझ आ गया, ये जो एरिया ना ये ठंडा इलाका है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे कश्मीर हो गया, शिमला हो गया, हिमाचल हो गया, ये हिमाचल वाला एरिया लग रहा है हमारा जैसे। अरे यार ऐसे ही होते हैं वो जगह वगैरह ना, वो जो बर्फ का पूरा पूरा पहाड़ी बर्फ का है ना। यार मौका मिले यार जाने का पता नहीं, कोई बात नहीं टेंशन ना लो, पहुंच रहा हूँ मैं। कौन लेके जाएगा मुझे? अभी से बुकिंग कर लो मेरी। यार सस्ता पैकेज दे देना बट मेरे। ठीक है, ये ना पेड़ ये ना बड़े बढ़िया से लगते हैं। ये देखो वाइट 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 फूल, और ये नॉर्मल नहीं होते, ये पहाड़ी इलाकों में होते हैं ऐसे फूल। वो भी यार लेक, और देखो देखो पता है यहाँ पे इंडिया में भी लद्दाख है ना। ये देखो एप्पल, हमारे शिमला के ना ऑल ओवर वर्ल्ड में ऐसे एप्पल ना फेमस है, वहाँ पे भी लगता है एप्पल ऐसे। ये देखो यार ऑफकोर्स एक बार जो आए यार ऐसी जगह पे ट्रैकिंग करने जा रहे हैं बंदे ना, यार एक बार बंदा जहाँ चला जाए ना यहाँ पे तो ऑफकोर्स उसका आने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि ये जगह ऐसी होती है ऐसे लगते हैं कि हम स्वर्ग में आ गए। सही है, और दोस्तों जो वहाँ पे रहते हैं ना वो मतलब कि उनके लिए मतलब इतना एडवेंचर नहीं होती है जगह, जो बाहर से आते हैं ना उनके लिए बहुत एडवेंचर होती है जगह। ये देखो हाँ ये मैंने हर जगह देखा है, जो उस साइड के होते हैं ना यहाँ पे भी हमारे हिमाचल साइड के वो डिजाइनर बड़े होते हैं। ये देखो निकासी वगैरह बैठे बैठे ना, ओहो वेरी नाइस यार, आंटी लगी हुई है काम पर, रात हो गई। पर
टेम्परेचर है दोस्तों, यहाँ पे पंजाब में बैठा हूँ मैं, ठीक है, 2-3 डिग्री टेम्परेचर है, फटी पड़ी है अपनी है, और वो देख लो मैनेज टेम्परेचर है, क्या हाल होता होगा। सही है यार, मजा भी आता है, छुट्टियाँ काट ही रहनी चाहिए यार, ठंड में जाओ ज़्यादा मजा है। ये देख मकान भी अच्छे से है ना, पत्थरों से, ठंड से बचने के लिए उस टाइप से बनाए हुए हैं। लड्डू बेसन के, बेसन, ओ हो 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 हो, सही है यार। ब्यूटीफुल तो होती है इस जगह में ना, रास्ते भी बड़े टेढ़े मेढ़े से होते हैं, खतरनाक होते हैं, एक्सीडेंट बड़े होते हैं भैया, जाना तो सोच समझ के जाना, बोल दे रहा हूँ। आप लोगों को कुछ हो गया तो मेरी वीडियो कौन देखेगा भाई, ए भगवान तेरे ऐसा कभी ना हो यार। बी सेफ, जब भी जाना है ना कहीं ऐसी जगह, बी सेफ, ध्यान से जाना है। स्लो मोशन सॉन्ग, स्लो मोशन, भीड़, ट्रैकिंग सिखा रहे ना, ये देखा क्या, आपको ऐसी जगह में रहना है तो उनको ट्रैकिंग आनी चाहिए, पहाड़ी इलाके में चढ़ना उतरना यार, ये बंदे, और वो भी होते थे बड़े यार ये, मतलब इनमें स्टेमिना वगैरह बड़ा खतरनाक होता है यार, क्योंकि पहाड़ों में चढ़ना उतरना, हम जैसे तो वैसे थक रहे हैं यार जाके। ये देखिए अच्छा जी, एक बार जो आए दिल यहाँ रह जाए, सही है। तो ये थी वीडियो जो हमने देखी है गिलगित बल्किस्तान के ऊपर, और ये बहुत ही मज़ेदार थी, और जो वो वादियाँ थी हसीन और जो पहाड़ थे, बट यार ऐसे जगह में जाना चाहते हो ना तो मतलब इस तरह से जाना चाहिए ना कि वहाँ का जो रास्ते है ना वो बी सेफ, क्योंकि वो बड़े ना नॉर्मल रास्ते होते हैं, और साथ में आप जो नॉर्मल जगह में रहते हैं ना उनको तो इस जगह जाना है ना तो उसको मतलब प्रॉपर तरीके से ना एक ड्राइवर वहाँ से कर लेना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो जगह ऐसी है कि आप नॉर्मल ड्राइवर नहीं चला पाएगा, नॉर्मल ड्राइवर के लिए बहुत रिस्की है, तो इसीलिए मैं तो सजेस्ट यही करूँगा जाओ छुट्टियाँ मनाओ बट गाड़ी कर लो वहाँ पे, ज़्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है कि हम अपनी गाड़ी में जा रहे हैं भैया जी, चलो जी ना स्टड बनेंगे हम तो भाई, ऐश मारेंगे हम तो, अपने आप को दिखाएंगे कि हम भैया, ऐसा नहीं है यार, वैसे तो स्मार्ट आप लोग बहुत हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपनी गाड़ी हाँ है आपके पास गाड़ी मैं मानता हूँ, बट वहाँ जब जाओगे प्लीज़ ड्राइवर कर लो, इससे क्या है कि आप इंजॉय भी करते जाओगे यार, और साथ में लंबा सफ़र होता है, तो ईजिली सबसे सही सजेशन है जाओ और बी सेफ। और कहने की बात यह है कि ये मतलब जो वादियाँ हैं ये जो मैंने देखा गिलगित बल्तिस्तान यार हमें नाम नहीं आता ना तो हम उल्टा पुल्टा बोल देते हैं बल्तिस्तान, तो मतलब ये जगह जो देखी है यार अल्टीमेट, देखा जाए अल्टीमेट बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार और बहुत मज़ा आया, अगर हम बिहारी में बोले तो बहुत खूबसूरत है, बहुत बढ़िया आया हमको, बहुत मज़ा आया, और ऐसा जगह तो हम जाना ही चाहते हैं, और जल्दी मैं कोशिश करता हूँ कि यहाँ आऊँ और आपके साथ, अकेले नहीं घूमने का मज़ा आएगा आप लोगों के साथ, चलो बी रेडी, सब रेडी हो जाओ, पूरा ग्रुप बनाते हैं अपने अब सब्सक्राइबर का, जाते घूम के आते हैं यार ऐसी जगह, और फुल मज़ा मस्ती करते हैं, फन करते हैं। चलो दोस्तों फाइनली अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दो, नहीं तो तोड़ फोड़ के उसको फेंक दो, और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, लाइक तो आप कर ही दोगे, उसके लिए मुझे सोचना ही नहीं पड़ता, और बाय टिकट शपक है।